अब ना ये क्वेश्चन पढ़ो, हमें कहा हुआ है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. मतलब किसी भी हम लोग इंटीजर को अगर स्क्वायर करें तो जो आंसर आएगा वो पक्का 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा. तो इन क्वेश्चंस में ना प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते कि कैसे शुरू करें, पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकालें. क्लियर है? एन कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लूं मैं तो एन लेके एन का स्क्वायर करने पे ये नहीं बन पा रहा. तो इन क्वेश्चंस को पकड़ा पता है कहां से करो? क्लियर है कि आई वांट कि जो इसका आंसर बने वो थ्री से रिलेटेड बने. तो अब अगर हम लोग ध्यान करें तो हमें समझ में आता है कि हम लोग पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को अगर थ्री के फॉर्मेट में अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं. कैसे? हमें डायरेक्टली भी क्लियर है और हमें यूक्लिड्स लेमा के थ्रू भी क्लियर है कि ए अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो बाय यूक्लिड्स लेमा वो नंबर थ्री का मल्टीपल थ्री के या थ्री के प्लस वन या थ्री के प्लस टू के फॉर्म का होगा. मैंने इस क्वेश्चन में ये थ्री के वाली स्टोरी ही क्यों पकड़ी? क्योंकि जो हमने स्क्वायर करके दिखाना है उसमें हमने थ्री वाला नंबर क्रिएट करना है. तो इसलिए यहां पे क्लियर, हम लोगों ने ए को उस फॉर्मेट में पकड़ा जहां पे कि वो थ्री के मल्टीपल के फॉर्म में आ सके. तो जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ए को थ्री के मल्टीपल वाले फॉर्म में पकड़े तो हमें समझ में आता है कि पूरे नंबर सिस्टम को कवर करते हुए थ्री के मल्टीपल वाले जो फॉर्मेट होते वो तीन होते, थ्री के, थ्री के प्लस वन और थ्री के प्लस टू. पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में सारे के सारे नंबर्स इनमें से ही किसी एक फॉर्म के होंगे. क्लियर? ये बात हमने नंबर सिस्टम से भी डिस्कस करी और यूक्लिड्स लेमा भी हमें एग्जैक्टली यही कहता है. तो अब हमें क्या करना चाहिए? इन तीनों का बारी बारी स्क्वायर करके दिखाना चाहिए. तो हमने पहले ए स्क्वायर करा, मतलब थ्री के का स्क्वायर. तो जब हमने थ्री के का स्क्वायर करा तो वो क्लियरली क्या बन गया? थ्री के का स्क्वायर विच इज नाइन के स्क्वायर विच इज क्लियरली अ मल्टीपल ऑफ थ्री. तो ये पार्ट तो जस्टिफाई हो गया कि अगर इस तरह का नंबर होगा तो स्क्वायर करे जाने पे वो मल्टीपल ऑफ थ्री आ रहा है. फिर ए कहीं अगर थ्री के प्लस वन के फॉर्म का होता तो इसका स्क्वायर क्या बनता? नाइन के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस वन. इन दोनों में से भी हमें दिखा कि थ्री के कॉमन आ गया तो इस केस में भी जस्टिफाई हो गया कि देखो ये थ्री इंटू सम नंबर बन रहा है प्लस वन. तो जो फाइनल आंसर बना इस सिचुएशन का भी वो भी थ्री का मल्टीपल प्लस वन के फॉर्म में आ रहा है और वही हमें कहा भी गया था. अब इस लास्ट केस को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, इस केस में क्या हो रहा है? जब ए बराबर होगा थ्री के प्लस टू के फॉर्म का तो उसका बेनिफिट क्या होता? क्लियरली हमारा जवाब किस तरह का बनता? थ्री के प्लस टू का स्क्वायर आता नाइन के स्क्वायर प्लस ट्वेल्व के प्लस फोर. अब मुझे ये प्लस फोर नहीं चाहिए तो इस प्लस फोर को भी तोड़ लेते हैं थ्री और वन में. तो उसको हमने ब्रेक कर लिया, ये आ गया नाइन के स्क्वायर प्लस ट्वेल्व के प्लस थ्री प्लस वन. अब इन तीनों में देखो तो देखो थ्री बाहर कॉमन आ रहा है तो ये क्या बन गया? एक्चुअली थ्री इंटू सम नंबर, उसका नाम एन रख लेते हैं या क्लियर है एम रख लेते हैं जैसे हमें कहा गया. तो डायरेक्टली ये थ्री इंटू एम प्लस वन बन गया. तो हमें रियलाइज हुआ कि इस केस में भी जो आंसर आ रहा है ये थ्री का मल्टीपल प्लस वन के फॉर्म में आ रहा है. तो हमारा टारगेट क्या था? एग्जैक्टली ये दिखाना. तो इस क्वेश्चन में काम की बात ये थी कि इसको शुरू कहाँ से करें. तो इस क्वेश्चन में जो शुरुआत थी वो हमें इस थ्री से हिंट मिलता कि हाँ अब की बार क्योंकि जो हमने स्क्वायर करके जवाब दिखाना है उसको थ्री का मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना है, इस रीजन से इस क्वेश्चन को उठाओ भी वहीं से. अगर डायरेक्टली कुछ क्लिक करता हो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें कोई पॉइंट पकड़ में नहीं आ रहा था. तो क्लियर कि फिर इस क्वेश्चन को वाइंड अप कैसे करते? सिंपली हमने ए को थ्री के मल्टीपल के सारे फॉर्मेट्स में पकड़ लिया और हर एक केस में दिखा दिया कि जो आंसर आ रहा है वो या तो थ्री का मल्टीपल है या फिर थ्री के मल्टीपल से एक ज्यादा के फॉर्मेट में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाओ. अब ना ये क्वेश्चन अभी हमने करा अटेम्प्ट, हमें कहा गया कि प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूव करना है कि किसी भी नंबर को अगर क्यूब करें तो जो जवाब बनेगा वो या तो 9 का मल्टीपल होगा
या 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा या 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा होगा, या 1 ज्यादा होगा या फिर 8 ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में पहला जो एंट्री का बैरियर आता है ना, वो ये आता है कि एक बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं नंबर लूं कैसे। तो अब क्लियरली हमें समझ में आता है कि एक बात तो ये कि यहाँ पे 9 का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक थॉट मेरे मन में आता है कि यहाँ पे 9 के मल्टीपल वाले सारे केसेस ले लो, 9K से शुरू हो जाओ 9K+8 तक, तो वो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन फिर थॉट क्या बनता कि क्यों ना 3 का मल्टीपल पकड़ लें, क्योंकि यहाँ पे केसेस भी 3 हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि 3 का मल्टीपल पकड़ लें, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने क्यूब ही करना है, तो क्यूब करके 9 बाहर क्लियर डेवलप हो सकता है। तो हमने क्या करा कि सिंपली ए को माना कोई पॉजिटिव इंटीजर और बिल्कुल यहाँ पे 3 के मल्टीपल वाली कहानी पकड़ ली। हमने कहा कि ए इन 3 फॉर्मेट्स में से एक हो सकता है, क्योंकि ये तीनों मिलके एक्चुअली दे आर कवरिंग द कंप्लीट नंबर सिस्टम। ये बात क्लियर है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस करी। तो अब जब ये कंप्लीट नंबर सिस्टम को कवर कर रहे हैं, तो जब मैं 3K का क्यूब करता हूँ तो मेरा आंसर क्या बनता है, 27K³, विच इज क्लियरली 9 × 3K³। तो ये एक्चुअली डायरेक्टली 9 का कोई मल्टीपल आ गया, और वही तो हमने प्रूव करना था। अब मान लो कि अगर मैं इसको 3K+1 लेता, तो 3K+1 लेने पे क्या होता, ये बनता a³ + b³ + 3ab × a+b। वो करते ही डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन बनी वो ये बन गई, क्लियर है, 27K² + 9K। तो अब इस केस में भी हमें दिखा साफ साफ कि ये इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, इफ वी एक्चुअली रियलाइज, तो इन तीनों में से 9K एक्चुअली बाहर कॉमन आ रहा है। तो अंदर आ गया 3K² + 3K+1 और अलग से +1। तो ये टर्म किस तरह की बन गई, 9 का मल्टीपल +1 के फॉर्म की। तो जब हमने इसको एक्सपैंड करा तो जो जवाब आ रहा है वो 9 का मल्टीपल +1 के फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म ही था। अब अगर हम लोग तीसरा केस पकड़ें, तो जब हम लोगों ने ये थर्ड केस भी देखा, तो ये क्या है, 3K+2 का क्यूब, ये क्या बनता, a³ + b³ + 3ab × a+b, ये बनी सिचुएशन। तो अब अगर इस 8 को साइड में रखें और बाकी सबको अगर हम लोग एक साथ कर लें, तो इन तीनों में से दिखता है कि एक्चुअली 9 बाहर कॉमन आ रहा है। तो 9 के बाहर कॉमन लेके एक्चुअली जो टर्म बनी वो 9 की मल्टीपल बन गई कोई, साथ में प्लस 8 आ गया। तो एक्चुअली ये टर्म कैसी बन गई, 9 का मल्टीपल प्लस 8 के फॉर्मेट की। तो हमें ये क्लेरिटी है कि पूरे नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होंगे, अगर उनको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में बोला जाए, तो वो इन तीन में से एक फॉर्म में ही होते। और हमने उन तीनों की इंडिविजुअली क्यूबिंग करके दिखा दिया कि जो उसका जवाब बन रहा है वो या तो 9 का मल्टीपल आ रहा है, या 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा आ रहा है, या 9 के मल्टीपल से 2 क्लियर है 8 ज़्यादा आ रहा है। तो क्लियर है कि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो वी हैव क्लियरली प्रूव्ड दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर वुड बी एग्जैक्टली ऑफ दिस फॉर्म। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्लियरली ब्रेक कर सके होंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में, जो मेन पॉइंट है वो एक्चुअली एंट्री बैरियर है। हम लोग यहां पे ये डिसाइड करने में अड़ जाते हैं कि शुरू में जो नंबर लें वो किस तरह से लें। तो उसकी ट्रिक ये है कि नंबर लेने में ना सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा करो कि मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम लोगों ने क्वेश्चन में तरीका वो पकड़ना है जिससे कि जो हमारा मेथड बने वो एक्चुअली शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो। बुक्स में अगर मान लो वो लंबा भी कराओ, इट डजेंट मैटर्स, अगर आपको कोई छोटी बात क्लिक करती है वो अप्लाई करो। तो इस बात का बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना, इसको क्लियर है, दोबारा क्लियर इस क्वेश्चन को क्लियरली देखो और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाओ। अब ना अभी हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन करा डील, हमें क्या गिवन था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो अब हमें ना कभी जब ये कंबाइंड क्वेश्चन आता है ना, तो देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के हमें दो तरीके पता है, एक तो जो हमने यूक्लिड्स लेमा वाला मेथड बनाया है यूक्लिड्स एल्गोरिदम के थ्रू, एक क्या करो कि इसको उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो। एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके क्लियर है कि बड़ी आसानी से बन जाती है बात, साथ साथ ही उसका एलसीएम भी आ जाता है।
तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग इसको सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। हमने 336 को ब्रेक करा, क्लियर, उसको 2 इंटू 118 कर लिया, फिर उस 118 को तोड़ा एंड सो ऑन। तो उसको ब्रेक कर करके वी वर एबल टू गैदर दिस इंफॉर्मेशन कि वो एक्चुअली ये बन गया। देखो ये प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। अब 54 को भी हमने ब्रेक करा, कैसे, 18 इंटू 3 कर लिया, अब उस 18 को ब्रेक करा 9 इंटू 2, 9 को ब्रेक करा 3 इंटू 3, तो हमें ये मिल गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में क्या करते हैं, दोनों के बीच में ढूंढते हैं कि कितनी कितनी पावर्स कॉमन आ सकती हैं। देखो यहाँ पे 2 एक है, यहाँ पे 2 चार हैं, तो कॉमन 2 कितने आ सकते हैं, 1, तो 2 तो एक कॉमन आ गया। 3 कितने कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे कितने 3 हैं, एक 3 है, यहाँ पे कितने 3 हैं, 3, तो कॉमन 3 कितने बन सकते हैं, 1। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं 7, तो क्लियर है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली HCF तो आ गया 6। LCM कैसे निकालते हैं, ढूंढते हैं कि किसके पास सबसे ज़्यादा टर्म्स है, तो जो भी टर्म सबसे ज़्यादा जो उसके पास होती हैं प्राइम, क्लियर, प्राइम फैक्टर्स, वो सारे के सारे ले लेते हैं। इस केस में ज़्यादा 2 किसके पास है, इसके पास, तो जब LCM वाली टर्म बनाएंगे तो ये चारों 2 ले लेंगे, तो डायरेक्टली वो आ गया 2 की पावर 4। 3 किसके पास ज़्यादा है, यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 1 3 है, ज़्यादा किसके पास है, इसके पास, तो पूरे के पूरे 3 ले लेंगे इसके पास से, 3 की पावर 3। अब 7 किसके पास है, वहाँ पे, यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसलिए एक बार 7 आएगा यहाँ पे, बस ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो कई बार एग्जाम में वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे का क्वेश्चन देते हैं 4 मार्क्स में, और हमें क्वेश्चन क्या होता है कि नाउ वेरीफाई दिस, तो क्लियर है वेरिफिकेशन तो कोई काम ही नहीं है, बस हमने बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। तो हमने सिंपली LCM इनटू HCF करा, वो बन गए 18,204, और वही उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी जवाब बना। तो हमने क्लियर है बस मेंशन कर देना है कि हेंस LCM इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A इनटू B, इट इज वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन इतना बेसिक होता है पर कई बार हमारे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, तो क्लियर, इसलिए हमें ये पॉइंट की बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट देखो,